हेलो फ्रेंड्स, ये सेशन में हम आर्डिनो के तीन अलग अलग फंक्शंस देखेंगे। वो फंक्शंस है एनालॉग रीड, एनालॉग राइट एंड मैप फंक्शंस। एनालॉग रीड फंक्शन का फॉर्मेट है एनालॉग रीड इनटू ब्रैकेट एनालॉग पिन। एनालॉग रीड में आर कैपिटल है। आर्डिनो उनो को छः एनालॉग इनपुट पिन्स है जिनके नाम A0, A1, A2, A3, A4, A5 है। आर्डिनो नैनो और आर्डिनो मिनी को 8 एनालॉग पिन्स है जिनके नाम A0 to A7 है। ये ADC है वो 10 बिट का है, उसका मतलब 2 raised to n, दैट इज 2 raised to 10, 1024 कॉम्बिनेशंस आउटपुट रिप्रेजेंट करने के लिए अवेलेबल है। जब हम ये फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं तब ये फंक्शन 0 to 1023 में से कोई भी वैल्यू अकॉर्डिंग टू इनपुट रिटर्न करेगा। उसी का मतलब ये फंक्शन 0 to 5 होल्ड को 0 to 1023 में मैप करेगा। ये फंक्शन इस्तेमाल करने के बाद ADC टेक्स 100 माइक्रोसेकंड टाइम टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म। इसका रिजोल्यूशन है 5 होल्ड डिवाइड बाय 1023, उसका मतलब 0.0049 होल्ड। अगर हमारा एनालॉग इनपुट वोल्टेज 0 होल्ड है तो बाइनरी का आउटपुट रहेगा 10 times 0 और उसका डेसिमल इक्विवेलेंट रहेगा 0। अगर हमारा एनालॉग इनपुट वोल्टेज हमने बढ़ा दिया और किया 0.0049 होल्ड तो बाइनरी का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा और उसका डेसिमल इक्विवेलेंट भी 1 से बढ़ जाएगा। फिर एक बार हमने एनालॉग इनपुट वोल्टेज 0.0049 से बढ़ाया, उसका मतलब नया वैल्यू 0.0098 है, तो बाइनरी का वैल्यू और 1 से बढ़ेगा और वो बनेगा 8 times 0, 10, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 2। अगर हमारा एनालॉग इनपुट वोल्टेज है 5 होल्ड तो 10 बिट का आउटपुट रहेगा 10 times 1, जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 1023। अगर हम कोई भी 0 से 5 होल्ड में से कोई भी इनपुट दे रहे हैं तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट रहेगा Vin डिवाइड बाय 5 इंटू 1023। तो ये सिनारियो एप्लीकेबल है जब हम एनालॉग रीड फंक्शंस इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी हम आर्डिनो का ADC एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम A0 पिन से एनालॉग डेटा को रीड करेंगे और उसका 10 बिट का डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर सीरियल मॉनिटर पर भेजेंगे। तो मेरा सबसे पहला लाइन है #define analog pin A0, उसका मतलब A0 पिन को मैंने एनालॉग पिन ऐसा नाम दिया है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मैं रीड करूँगा उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है एनालॉग डेटा। उसके बाद मैंने serial.begin(9600) ऐसा लाइन लिखा है। इस लाइन से सीरियल मॉनिटर इनिशियलाइज होगा। अभी मुझे कंटिन्यूसली डेटा को रीड करना है जो एनालॉग डेटा है, तो उसके लिए मेरा लाइन है analog data is equal to analog read (in brackets analog pin). तो एनालॉग रीड इंस्ट्रक्शन एनालॉग डेटा को रीड करने वाली है और उसका इन्फॉर्मेशन एनालॉग डेटा में स्टोर करने वाली है और वो इन्फॉर्मेशन मैं ट्रांसफ़र करने वाला हूँ सीरियल मॉनिटर पे। तो इसकी वजह से मेरा लाइन है serial.println(in brackets analog data). उसके बाद मैं डिले ऐड कर रहा हूँ 500 मिलीसेकंड का। तो अभी मैं ये प्रोग्राम मैं टिंकरकैड में सिमुलेट करने वाला हूँ। जो प्रोग्राम हमने डिस्कस किया उसको मैं टिंकरकैड में सिमुलेट करूँगा। टिंकरकैड में मैंने एक आर्डिनो उनो लिया है, एक ब्रेडबोर्ड लिया है जो इंटरक कनेक्शन के लिए काम में आएगा, एक पोटेंशियोमीटर लिया है, उस पोटेंशियोमीटर से मैं एनालॉग वोल्टेज को चेंज करने वाला हूँ, और एक मल्टीमीटर लिया है जहाँ पे मैं एनालॉग वोल्टेज को देख सकता हूँ। पोटेंशियोमीटर का एक टर्मिनल ग्राउंड पे दिया है और दूसरा टर्मिनल 5 होल्ड को दिया है, और जो बीच का वाइपर का टर्मिनल है वो मैंने A0 को दिया है। प्रोग्राम के लिए मैं इधर कोड पर क्लिक करूँगा और जो कोड हमने डिस्कस किया है उसको मैं पेस्ट करूँगा। तो मैं अभी पेस्ट कर रहा हूँ और मेरा जो आउटपुट आने वाला है वो सेल मॉनिटर पे देखना है, तो मैं सेल मॉनिटर पे क्लिक करूँगा
और मैं अभी प्रोग्राम को सिमुलेट करूँगा। तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी जो इनपुट वोल्टेज है वो है 0 वोल्ट और उसका आउटपुट है फिर एक बार 0। उसके बाद मैं एनालॉग वोल्टेज को चेंज करने वाला हूँ और मेरा अभी एनालॉग वोल्टेज है और उस टाइम मेरा जो आउटपुट है वो है 102। अभी मैं एनालॉग वोल्टेज को चेंज करके 1 वोल्ट कर रहा हूँ। 1 वोल्ट एनालॉग वोल्टेज के लिए आउटपुट है 205। अभी मैं एनालॉग वोल्टेज 2.5 कर रहा हूँ। सो 2.5 एनालॉग वोल्टेज के लिए आउटपुट है 511। अभी मैं एनालॉग वोल्टेज को 5 वोल्ट एडजस्ट कर रहा हूँ जो हाईएस्ट वोल्टेज है। एट दैट टाइम आउटपुट इज 1023। सो मेरा हाईएस्ट रीडिंग रहेगा 1023 और लोवेस्ट रीडिंग रहेगा 0। तो इस तरह हमने ये प्रोग्राम को टिंकरकैड में सिमुलेट किया है। अभी देखेंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। आर्डिनो को 6 स्पेशल पिन से जिनका नाम है D3, D5, D6, D9, D10 और D11। इस पिन से हम PWM का आउटपुट ले सकते हैं। PWM उसका मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो रेक्टेंगल वेवफॉर्म है जिसका टी ऑन टाइम हम कंट्रोल कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो हार्डवेयर है उसके पास 256 स्टेप्स अवेलेबल है। एनालॉग राइट फंक्शन का फॉर्मेट है एनालॉग राइट इनटू ब्रैकेट पिन कॉमा विड्थ। एनालॉग राइट में W कैपिटल है और विड्थ में विड्थ का वैल्यू 0 to 255 तक कोई भी हो सकता है। जो सिग्नल जनरेट होने वाला है उसका फ्रीक्वेंसी है 490 हर्ट्स। ये सिग्नल एनालॉग वोल्टेज को सिमुलेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। PWM के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, हमारे लिए जो यूज़फुल है वह मैं मेंशन कर रहा हूँ, जैसे कि चेंज द इंटेंसिटी ऑफ LED, चेंज द स्पीड ऑफ DC मोटर और टू जनरेट द AC सिग्नल। सपोज ये एक PWM वेवफॉर्म है जिसका एक टी ऑन टाइम है और एक टी ऑफ टाइम है और पीक वोल्टेज है 5 वोल्ट। तो ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला है TON/TOFF। अगर हमें ड्यूटी साइकिल परसेंटेज में चाहिए तो हमें उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू D, विच इज़ अ नॉर्मलाइज ड्यूटी साइकिल, और एवरेज वोल्टेज इज इक्वल टू D × 5। इस वेवफॉर्म में ड्यूटी साइकिल है 10%, उसका मतलब नॉर्मलाइज ड्यूटी साइकिल है 0.1 और एवरेज वोल्टेज है 0.1 × 5, दैट इज 0.5। इधर ड्यूटी साइकिल बढ़ गया है 25 है तो उसका मतलब एवरेज वोल्टेज भी बढ़ गया है, नाउ इट इज़ 1.25। नाउ ड्यूटी साइकिल इज 50%, तो एवरेज वोल्टेज इज नाउ 2.5। सपोज ड्यूटी साइकिल इज 75%, देन एवरेज वोल्टेज इज 3.75। अभी ड्यूटी साइकिल हुआ है 100, उसका मतलब टी ऑन टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम, तो एवरेज वोल्टेज हुआ 5 वोल्ट, दैट इज द हाईएस्ट वोल्टेज। अभी हम D9 पिन से PWM का वेवफॉर्म जनरेट करेंगे जिसका ड्यूटी साइकिल 25%, 50% और 75% हो। सबसे पहले मैं उस पिन को नाम देना चाहता हूँ, तो मेरा लाइन है #define PWM out 9। तो D9 को मैंने PWM out ऐसा नाम दिया है। उसके बाद उस पिन को मैं आउटपुट पिन ऐसा सेट करने वाला हूँ, तो मेरा लाइन है PIN mode (PWM out, output). वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए मैं जो लाइन लिखूँगा वो मैं लूप के अंदर डाल दूँगा, तो मेरा लाइन है analog write (PWM out, 64). 64 इज़ 25% ऑफ 255। उसका मतलब मेरा जो वोल्टेज जनरेट होने वाला है उसका एवरेज 1.25 वोल्ट होगा। उसके बाद 1 सेकंड का डिले है, तो उसका मतलब ये वेवफॉर्म 1 सेकंड के लिए जनरेट होने वाली है। उसके बाद मेरा अगला लाइन है analog write (PWM out, 127). 127 इज 50% ऑफ 255। उसका मतलब जो वोल्टेज जनरेट होने वाला है उसका एवरेज 2.5 वोल्ट होगा। उसके बाद फिर एक बार 1 सेकंड का डिले, उसका मतलब 1 सेकंड के लिए वो वेवफॉर्म जनरेट होने वाली है। और लास्ट के 2 लाइन्स है analog write (PWM out, 192).
192 इज अ 75% ऑफ 255, उसका मतलब वेवफॉर्म का ड्यूटी साइकिल है 75%, जिसका एवरेज वोल्टेज आएगा 3.75 वोल्ट। तो ये साइकिल मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से वेवफॉर्म सभी रिपीट होने वाले हैं। अब ये मैं प्रोग्राम टिंकरकैड में सिमुलेट करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने ये आर्डिनो उनो लिया है, एक ब्रेडबोर्ड लिया है इंटरकनेक्शन के लिए, ये मल्टीमीटर लिया है जो एवरेज वोल्टेज दिखाएगा, और ये ऑसिलोस्कोप लिया है जो वेवफॉर्म को दिखाएगा। अभी मैं कोड पे जाता हूँ और हमने जो कोड डिस्कस किया है उसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और ये कोड अभी मैं सिमुलेट करने वाला हूँ। तो स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले ड्यूटी साइकिल है 25%, तो एवरेज वोल्टेज है अराउंड 1.25। अभी ड्यूटी साइकिल है 50% और एवरेज वोल्टेज है अराउंड 2.5। अभी ड्यूटी साइकिल है 75%, तो एवरेज वोल्टेज है अराउंड 3.75। उसका मतलब जो प्रोग्राम हमने डिस्कस किया है उसको मैंने टिंकरकैड में सिमुलेट किया है। ये ऑनलाइन सिमुलेटर अवेलेबल है। अभी हम आर्डिनो का मैप फंक्शन कैसे वर्क होता है वो देख लेंगे। उसके लिए हम टास्क लेंगे। उस टास्क में हम एक एनालॉग वोल्टेज आर्डिनो को अप्लाई कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमें एलईडी का ब्राइटनेस एडजस्ट करना है। सपोज एनालॉग वोल्टेज इज अ 0, देन ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करके मेरा एलईडी का ब्राइटनेस 0 रहेगा। अगर मेरा एनालॉग वोल्टेज का रीडिंग है 100, तो एलईडी का इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ने वाला है, जो पीडब्ल्यूएम का ड्यूटी साइकिल है वो 25 कर लेंगे। अगर मेरा एनालॉग वोल्टेज का रीडिंग 1023 है, उसका मतलब हाईएस्ट रीडिंग है, तो एलईडी का ब्राइटनेस हाईएस्ट होना चाहिए। उसके लिए पीडब्ल्यूएम एफएम का ड्यूटी साइकिल हम 255 एडजस्ट कर लेंगे। उसका मतलब कोई भी इनपुट हो उसके हिसाब से मेरा पीडब्ल्यूएम का ड्यूटी साइकिल मुझे एडजस्ट करना है। उसी का मतलब मेरा इनपुट के लिए रेंज है 0 to 1023, उसको मुझे कन्वर्ट करना है वह 0 to 255। वो कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास आउटपुट है और इनपुट है। मेरा इनपुट है इन अंडरस्कोर वोल्टेज जो इस टेबल के पहले कॉलम में है, और मेरा आउटपुट है एलईडी अंडरस्कोर ब्राइटनेस जो इस टेबल में सेकेंड कॉलम में है। तो उसके लिए मुझे मैप फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो वो करते समय मुझे लाइन लिखना है एलईडी अंडरस्कोर ब्राइटनेस इज इक्वल टू मैप इनटू ब्रैकेट इन अंडरस्कोर वोल्टेज कॉमा इनपुट रेंज 0 to 1023 एंड आउटपुट रेंज 0 to 255। अभी इस फंक्शन को हम इस्तेमाल करके हमारा एलईडी का ब्राइटनेस अकॉर्डिंग टू इनपुट वोल्टेज वेरी करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ द प्रोग्रामिंग। इनपुट वोल्टेज के हिसाब से एलईडी का ब्राइटनेस चेंज करने के लिए यह प्रोग्राम लिखा है। पहले दो लाइन में पिन्स को नाम दिया है। A0 को एनालॉग पिन ऐसा नाम दिया है, और 9 को PWM पिन ऐसा नाम दिया है। उसके बाद दो वेरिएबल लिए हैं, इन अंडरस्कोर वोल्टेज और LED अंडरस्कोर ब्राइटनेस। उसके बाद सेटअप में पहली लाइन में सील मॉनिटर को इंस्टॉलाइज किया है, और दूसरे लाइन में PWM पिन को आउटपुट पिन सेट किया है। उसके बाद लूप में जो पहला लाइन है उस लाइन से एनालॉग डेटा को रीड कर रहे और उसको इन अंडरस्कोर वोल्टेज में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद जो इनपुट वोल्टेज है उसको मैप करना है, उसका रेंज चेंज करना है। उसके लिए लाइन लिखा है एलईडी अंडरस्कोर ब्राइटनेस इज इक्वल टू मैप इनटू ब्रैकेट इन वोल्टेज, उसके बाद इनपुट रेंज 0 to 1023 एंड आउटपुट रेंज 0 to 255। उसके बाद जो डेटा है उसको हमने कन्वर्ट किया है वो अभी PWM वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए लाइन लिखा है एनालॉग राइट इनटू ब्रैकेट PWM पिन कॉमा LED ब्राइटनेस। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको हम सीरियल मॉनिटर पर भेजने वाले हैं। उसके लिए इन अंडरस्कोर वोल्टेज और LED अंडरस्कोर ब्राइटनेस, ये दो डेटा हम सीरियल मॉनिटर पर इस तीन लाइन से भेज रहे हैं। तो ये सभी टास्क हम एवरी आफ्टर 1 सेकंड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये लाइन लिखा है डिले इनटू ब्रैकेट 1000। अभी जो प्रोग्राम हमने देखा है वो आर्डिनो के अंदर अपलोड किया है। अभी आउटपुट सील मॉनिटर पे देखेंगे। सील मॉनिटर पे जो पहला कॉलम है वो एनालॉग इनपुट वोल्टेज है, और जो दूसरा कॉलम है वो PWM वेवफॉर्म का विड्थ है। अगर विड्थ इंक्रीज हो रहा है तो एलईडी का ब्राइटनेस भी इंक्रीज हो रहा है।